Hello, thank you. My name is Dr. Naveed Akbar Hotiana, and I'm working as an associate professor in Fatima Jinnah Medical University. As my brief introduction, I did my graduation in 1998 from Allama Iqbal Medical College. Subsequently, I did my post-graduation in pediatrics from College of Physicians and Surgeons of Pakistan. After doing my fellowship, I worked as a senior registrar in Fatima Jinnah Medical University, as well as assistant professor for 5 years. And currently, now I'm working as an associate professor in Fatima Jinnah Medical University. My special area of interest in neonatology. And at the same time, I also take care of all the childhood illnesses that are usually present in the public hospitals and the private hospitals. And I also do take care of the vaccination, immunizations of the children, to addressing the nutritional status of the babies and to treat common infectious diseases in children, childhood age group. बच्चों की जो कैटेगराइजेशन की जाती है एज ग्रुप की वो नॉर्मली लेस देन 16 टू 18 इयर्स से जो बच्चे होते हैं उनको हम पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कैटर करते हैं और जो एडोलेसेंट के बाद होते हैं वी लेबल देम एज एन एडल्ट्स मोर देन 18 इयर्स इनको अलग से कैटेगराइज करने का एक बहुत ही एक बेसिक मकसद वो ये है कि बच्चों की बहुत सारी जो बीमारियाँ होती हैं वो बड़ों से डिफरेंट होती हैं मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट बिकॉज एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट को डील करना पड़ता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको हम आम अल्फाज में खून की कमी या दिल का दौरा कह सकते हैं हाइपरटेंशन बच्चों में इन चीज़ों का इंसिडेंस बहुत कम होता है और जो बेसिक बीमारियाँ जो बच्चों में डील करते हैं वो ज़्यादातर स्ट्रक्चरल हार्ट प्रॉब्लम होते हैं जो बाय बर्थ बच्चों में डिटेक्ट होते हैं और जिनको इन टाइम देखा जाता है सेम अगर हम बच्चों के नफसियाती आई मीन पीडियाट्रिक साइकेट्रिस्ट को देखें तो दे आर डीलिंग विद एंटायरली डिफरेंट चाइल्डहुड साइकेट्रिक इलनेस लाइक ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम ये एक बेसिक तौर पे बच्चों में है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर डिप्रेशन एंग्जाइटी जबकि बड़ों में इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें हम ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम कहते हैं और अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होते हैं ये चीज़ें बहुत कम होती हैं वहाँ पर स्ट्रेस इंड्यूस सोशल इंड्यूस बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं एडल्ट्स में बच्चों में ऐसा कोई इशू नहीं होता सो इसी तरह बहुत सारी और भी बीमारियाँ होती हैं हर स्पेशलिटी से रिलेटेड लाइक पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इज एंटायरली केटरिंग डिफरेंट थिंग एज एन एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें ओवरलैपिंग भी हैं बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो कि एंटायरली डिफरेंट हैं तो इनका चूँकि स्कोप डिफरेंट है तो स्पेशलिटीज़ को डिफरेंट करना वो दैट वॉज अ नीड ऑफ द टाइम बच्चों में जो न्यूबॉर्न होते हैं न्यूबॉर्न हम लेबल करते हैं ऑल दोज बेबीज़ वर लेस देन 3 डेज ऑफ लाइफ इनमें जो जॉन्डिस होता है वो बहुत कॉमन होता है 60 to 70% बच्चे न्यूबॉर्न दे कैन हैव जॉन्डिस ये क्यों होता है इसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं बाज़ दफ़ा तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉर्मल एंड इट इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो कि हर बच्चे को तीसरे दिन पर नॉर्मली होता है लेकिन इसकी शिद्दत ज़्यादा नहीं होती है और 6th-7th दिन पर यह खुद ही ठीक हो जाता है लेकिन कुछ बच्चों में जो यरकान जिसको न्यूनेटल जॉन्डस कहते हैं उसका वो बहुत ही गहरा होने के इम्कानात होते हैं और उसकी रीज़न उसकी अंडरलाइन कॉजेज़ होती हैं लाइक कुछ बच्चों में अगर ब्लड ग्रुप्स का इशू हो अगर मदर नेगेटिव हो और बेबी पॉजिटिव हो या मदर ओ हो या कुछ कंजेंटल इन्फेक्शंस हों या कुछ खून की बीमारियाँ हों जिसमें खून बहुत जल्दी फट जाता है तो ऐसे ही सूरत हाल में बच्चों में जो यरकान होता है 1st-7 days में उसके गहरे होने के चांसेस होते हैं ये तो बेसिकली वो बीमारियां हैं लेकिन कुछ बच्चों में अगर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड बच्चों इवन दे कैन हैव जॉन्डिस सो फर्स्ट वीक में 1st-10 days में जो जॉन्डिस होता है मोस्टली नॉर्मल होता है बट बहुत सारे बच्चों में ये किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है जिसको डिटेक्ट करना डायग्नोज करना और इन टाइम इंटरवीन करना ज़रूरी होता है मीज़ल्स वैक्सीन एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है जब मैं लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन कहूँगा इसका मतलब ये होता है कि मीज़ल्स की वैक्सीन में ज़िंदा मीज़ल्स का वायरस होता है जिसमें डिजीज़ एक्टिविटी पैदा करने की सलाहियत नहीं होती बट कुव्वते मुदाफ़ियत पैदा करने की सलाहियत होती है बट समहाउ जितनी भी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती हैं जिसमें ज़िंदा वायरस डाला जाता है उसमें बहुत ही कम रेशो में चांसेस होते हैं कि दे कैन कॉज एक्चुअल डिजीज़ बिकॉज क्योंकि वो ज़िंदा वायरस है तो इसमें चांसेस बिल्कुल होते हैं बट बहुत ही मिनिमल ऑलमोस्ट द फिगर इज़ 5 in 10 million चांसेस होते हैं द क्वालिटी ऑफ वैक्सीन दैट इज़ अवेलेबल इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ वेरी गुड
पाँच साल से छोटे बच्चों में टेटनस की एटलीस्ट चार डोजेज़ रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि नॉर्मली हम तीन डोजेज पहले सिक्स मंथ्स में दी जाती हैं, दसवें हफ्ते, चौदहवें हफ्ते और उसके बाद ऑलमोस्ट जो है ट्वेंटी ढाई महीने पे। इसमें जो बूस्टर डोज दैट रिक्वायर्ड होती है जब डेढ़ साल पे बच्चा हो जाता है, जब इन चार टेटनस की डोजेज़ का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो बच्चा आपका पाँच साल के लिए बिल्कुल टेटनस से महफूज होता है। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो कि सोसाइटी में डिस्कस होनी चाहिए और उसको डिस्कस करने के लिए मेन जो कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए वो कम्युनिटी में डॉक्टर्स की और पेशेंट के साथ आपस में डिस्कशन के साथ होनी चाहिए। मैं बहुत सारी सोशल मिथ्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। बहुत सारी माएँ मोटिवेटेड नहीं होती फॉर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। हमारे यहाँ सोसाइटी में लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग बहुत प्रेवलेंट हो रहा है, विच इज़ अ डिज़ास्टरस थिंग टू थिंक अबाउट। जितनी भी डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सम हो माएँ भी ज़्यादा मोटिवेटेड ज़्यादातर नहीं होती हैं, और उनके जो जब उनसे पूछा जाता है कि व्यूनी क्यों नहीं करवाती हैं तो मोस्ट कॉमनली आंसर्ड थिंग्स कि जी दूध आया ही नहीं है, ऑपरेशन हुआ हुआ था, सी सेक्शन हुआ हुआ था, बच्चे ने दूध पिया ही नहीं है। ये सारे मिथ्स हैं। जब अल्लाह बच्चा देता है तो दूध ऑब्वियसली अल्लाह ने साथ सारा दूध पैदा करने का सिस्टम भी दिया होता है, ठीक है। तो माँ का दूध पीने से बच्चा बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है और ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट WHO भी कर रहा है और सारी दुनिया में की जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये इस तरह के मिथ्स, और बस दफ़ा ये भी कहा जाता है कि दूध जहरीला था, कड़वा था, बच्चा लिया नहीं है। सो ये बहुत सारे मिथ्स हैं जिनको डिस्करेज करना चाहिए बींग अ डॉक्टर, एंड जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको भी इस चीज़ पर काम करना चाहिए, डॉक्टर्स को काम करना चाहिए, हर फोरम पर इस पर काम होना चाहिए। दूसरी मिथ जिस पर मैं काम करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी माएँ जो सवाल पूछती हैं, डॉक्टर साहब बच्चे के दांत आ रहे हैं तो मोशन शुरू हो गए हैं। सो ये भी मैं कहना चाहूँगा कि दांत एक डिफरेंट चीज़ है और मोशन डिफरेंट चीज़ है। दांतों का और मोशन का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। सिंपल रीज़न, बच्चा बहुत सारी चीज़ें मुंह में डालता है जब दांत आ रहे होते हैं, क्योंकि गम्स में खुजली होती है और कहीं ना कहीं से कोई कंटेमिनेटेड स्टफ़ चला जाता है, एंड समहाउ इट कैन लीड टू लूज मोशंस, बट कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो ऐसी चीज़ नहीं है, आपको दांतों के रिलेट नहीं करना चाहिए। बहुत सारी माएँ सब कुछ देना बंद कर जाती हैं जब दांत आ रहे होते हैं कि इससे मोशंस ना आ जाएँ, तो उसमें बच्चे को इन चीज़ों पर बहुत सारी खुराक की ज़रूरत होती है, तो उसका दांतों का मोशन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको हमेशा सेपरेट ही रखना चाहिए। तीसरी चीज़ जो मैं एक मिथ को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारी माएँ बच्चों को सिर्फ एक वजह से न्यूट्रिशनली अच्छी चीज़ें नहीं देती हैं, लाइक योगर्ट है, राइस है, बनाना है, कि ये रेशा प्रोड्यूस करते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ी सोशल मिथ्स है जिस पे आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। केला बहुत सारी अच्छी शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दही में बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं, चावलों में बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो बच्चे की ग्रोथ में रोल प्ले करता है। सो इस मिथ से भी फाइट करना सबकी ड्यूटी है, तो इस पे भी सारे जितने भी सोशल लेवल्स हैं उन पे काम होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के जानने के बावजूद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, या इफ़ योर चाइल्ड इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशनल कम्प्रोमाइज, वैक्सीनेशन कम्प्रोमाइज, या उसके साथ साथ ग्रोथ कम्प्रोमाइज्ड है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाय द प्लेटफॉर्म ऑफ मरहम एनी टाइम, आई विल बी अवेलेबल ओवर देयर।